आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और 4 साल से ज़्यादा हमारी सरकार को बने हो गए हैं राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। जितने भी 4 साल में जनकल्याण के फैसले किए हैं वो अभूतपूर्व है। और बड़े बड़े फैसले जिनमें से 10 लाख का जो चिरंजीव बीमा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, महिलाओं के लिए उड़ान योजना है, और अभी जो हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर का जो सब्सिडी देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, 1 अप्रैल से वो लागू होगा। ये पूरे देश में एक नई मिसाल है कि राज्य सरकार महंगाई को रोकने के लिए किस कदर चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो राजस्थान तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जगह रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि देश में मोदी जी की सरकार को बने 8 साल हो गए हैं। 8 साल में महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत ही चरम पे है, और ये बुनियादी मुद्दा है देश को, जिसको अभी तक भी एड्रेस मोदी सरकार नहीं कर रही है। अब न जाने वो क्या सोच के नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा हाल है। युवा जो हमारे खास तौर पे बहुत चिंतित हैं अपने भविष्य को लेके, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे कोई भी धरातल पे उतरे नहीं हैं। और हमारी राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार लगातार एक से बढ़कर एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी रोकने के भर्तियां जो नई की है उसके लिए, और महंगाई को मैंने बताया कि 500 रुपये प्रति सिलेंडर का बहुत बड़ा फैसला, इस टाइप से इन सारी बातों के आधार पे 2023 चुनावी वर्ष है। हमें पूरा यकीन है कि राजस्थान की जनता एक बार फिर कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद देगी, कांग्रेस रिपीट करेगी सरकार, जैसा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होती रही है। इस बार ये सब भ्रम ये टूटेगा, और जनकल्याण के फैसलों पे, विकास के कामों पर, और मोदी जी की सरकार के प्रति जो निराशा उत्पन्न हुई है, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस हुई, सारी बातों को लेके राजस्थान में सरकार हम फिर बुलाए। अच्छा, आज प्रदेश प्रभारी भी जयपुर में ही है, वो उनकी मीटिंग भी इसी अनुसार हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन भी शुरू हो रहा है। संगठनात्मक रूप से कितना ढांचा मजबूत करेंगे आप, क्योंकि अभी भी नियुक्तियां पूरी नहीं हुई संगठनात्मक। दूसरी बात, जिले में जो है एक बार वापस से पुतला भी आपके पास समाचार पहुँचेंगे, रघु शर्मा का पुतला यहाँ पर कांग्रेस ने जलाया था, किस तरह के संकेत का मसला है। ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं और बन जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी सब ने डिस्कस कर रहे हैं, सभी नेताओं को शामिल कर रहे हैं राय से, और संगठन का जल्दी ही पूरी तरह से सारे जो संगठन पद हैं प्रभारी जी ने कह भी दिया है जल्दी भरेंगे। ये तो पार्टी का बिल्कुल एक तरह से अंदरूनी मैटर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट होता है, कोई राजी होता है, जिसको पद देखिए, ये कोई हमारा, मैंने कहा ना कि वैसे तो अनफॉर्चुनेट है, कार्यकर्ताओं को सभी को संयमित रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। सबको टिकट नहीं मिलते हैं, सबको अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, सबको ब्लॉक अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, सबको सरकार में नियुक्ति नहीं होती है। पार्टी एक एक कार्यकर्ता से मिलकर पार्टी बनती है, तो अनुशासन में तो रहना ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये पावर सेंटर गेम के तौर पे भी देखा जा रहा था कि अजमेर में जो है पावर सेंटर डिवाइड हो रहा था, इस कारण से वापस नहीं, देखिए मैंने कहा ना कहीं पावर सेंटर नहीं, बीजेपी में ज़रूर अभी ये 8-8, 10-10 लोग मुख्यमंत्री बनने के चेहरे बन के घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार उपचुनाव 9 हुए हैं, 1 बीजेपी जीती है केवल राजसमंद का, बहुत कम अंतर से, बाकी सारे चुनाव हम जीते हैं। सरकार के फैसले अच्छे हैं, पहली बार ये लग रहा है कि एंटी इनकमेंसी की जो लहर है वो बिल्कुल नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो 7-8 लाख की संख्या है उनमें ओल्ड पेंशन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बेरोजगारों में 1 लाख भर्तियां हो चुकी है जबरदस्त, उनमें अशोक गहलोत जी की सरकार के प्रति बहुत अच्छे भाव है, किसानों में बहुत अच्छे हैं। और मैंने कहा ना कि ऐसा कोई तबका नहीं होगा जिस तबके को गहलोत साहब की सरकार ने किसी न किसी तरह से उसको लाभान्वित नहीं किया गया हो। अभी बजट आने वाला है, बजट पे खासतौर पे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि युवाओं पे फोकस ये बजट रहेगा, तो आप देखिए कि इसीलिए कह रहे हैं कि घर का अंदर छोटे मोटे विवाद हर घर में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी में जिस ढंग का चल रहा है हमने तो देखा है कि उपचुनाव में बीजेपी में किस नेता के पोस्टर लगते हैं, किसके हटते हैं, तो ये तो झगड़े उनके हैं, वो अपना घर संभाले, हमारी चिंता ना करें।